गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अर्पिता कुमारी, तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, यूनिफॉर्म में रहने की कोशिश करो। सर, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो व्हाइट ड्रेस पहन। सर हम न्यू स्टूडेंट। ओके सर, सर हम ड्रेस लेने जा। पिछले सर हम ड्रेस लेने जाएंगे। पढ़ रहे होंगे वहाँ व्हाइट ड्रेस रहता है ना जी, पीटी ड्रेस में। यस सर। सभी जगह व्हाइट ड्रेस है, आप व्हाइट ड्रेस पहनिए। ओके सर। सर हम ड्रेस लेने जा रहे थे सर, लॉकडाउन हो गया है। तो देखो ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहा था चैप्टर 5 में, क्वेश्चन आंसर कहाँ तक हुआ और आपने कहाँ तक याद किया। दीप्ति कृष्णा सर, आई हैव टू आस्क समथिंग अबाउट टेस्ट। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या है, क्या डिफरेंस है, बताओ। आशुतोष कुमार। यस सर। बताओ। रिवर्सिबल चेंज चेंज इन विच सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन गेट बैक द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड का आंसर दे चुके थे। फर्स्ट और सेकंड का आंसर मिल गया ना जी। यस सर, E1 E2 हो गया था। अब E3 में हमको टेस्ट के बारे में कुछ पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए सर। का जो संडे का होगा वो सारा सब्जेक्ट का होगा, साइंस इंग्लिश मैथ हिंदी सारा सब्जेक्ट का? नहीं जी, पहले से सर्कुलर निकला हुआ है, फर्स्ट संडे क्या होगा, सेकंड संडे क्या होगा, थर्ड संडे क्या होगा, फोर्थ संडे क्या होगा। फर्स्ट संडे है ना। सर तो इस संडे साइंस होगा? नहीं, इस संडे होगा हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स, क्योंकि आया हुआ है फोर्थ संडे। यस, और आपने ये भी ना देखा कि फर्स्ट संडे है, आप सर्कुलर को क्यों नहीं ठीक से पढ़ते हैं। फर्स्ट संडे जो रहेगा वही सब्जेक्ट। यस सर, अगली बार साइंस हुआ था। यस yes, तो इस बार मैथ होगी। गर्मी की छुट्टी 7 जून से शुरू होगी ना। हाँ, और खत्म कब होगी? और खत्म कब होगी? वो आपको नोटिस दिया जाएगा ना जी। नोटिस ओके सर, तब आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। 27 को जो भी है उस चला जाएगा, वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर? क्लियर ओके सर। यस सर। बोलो साक्षी कुमारी, क्या दिक्कत है? साक्षी कुमारी सर इन्वर्सिबल चेंजेस मैं सुनाऊं? सुनाओ। चलो सिद्धार्थ गुप्ता। सर आप D4 क्वेश्चन एक और बार बता दीजिए। यस सर। सर चेंज रिवर्सिबल चेंज रिवर्सिबल चेंज चेंज इन द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। इज एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और कोई बोलेगा? आदिव्या राज। सर कैन आई? बोलो आदिव्या राज। रिवर्सिबल चेंज
अभी तक तुमने ड्रेस फॉर्म का वैल्यू नहीं दिया तुमने। आदित्या सर मैं प्रभात रंजन। आदित्या राज तुमने अभी तक स्कूल के रूल को फॉलो नहीं किया अभी तक। बाय स्कूल के रूल को फॉलो करो। सर मैं बताऊं। वेटल चलो जी सर मैं बताऊं। व्हिच द सब्सटेंस कैन नॉट गेट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज इररिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जांपल चेंजिंग ऑफ डो इनटू चपातीज। ओके सर मैं बोलूं। नहीं आप नहीं बोलना है। मैं कोई नहीं बोलेगा सर। क्वेश्चन थ्री का आंसर बता रहे हैं अधिव्या राज। ई का थ्री देखो इसमें कह रहा है कि वाटर साइकिल इज ए नेचुरल चेंज क्लासिफाइड इट इज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इसमें क्या हो जाएगा जो वाइट बोर्ड क्लियर नहीं है फिजिकल चेंज। सर व्हाइट बोर्ड का इमेज क्लियर नहीं आ रहा। सर क्लियर आ रहा है। दे रहा है ना। यस सर सुनाई दे रहा है। फिजिकल चेंज प्रेजेंस ऑफ माइंड ही यूज करो। फिजिकल चेंज होगा आपके बुक में दिया है ना जी दो ऑप्शन फिजिकल या केमिकल तो फिजिकल होगा। ठीक है सर सिर्फ फिजिकल चेंज लिखना है। अभी हाँ जी और दूसरा पार्ट है लिखा हुआ है थ्री। अभी डिस्कस क्या करना था थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री टी थ्री सर तो ऐसे लिखना है फिजिकल और केमिकल में से कौन वाटर साइकिल नेचुरल चेंज है तो फिजिकल और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में रिजर्विजल रिवर्सिबल रिवर्सिबल और उसके बाद चेंजिंग का डिफिनेशन लिख देना है। इसके बाद जस्टिफिकेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री किसका डी का या ई का? यार तो तुम ई का ई का ये तुमको पता नहीं है डी और ई पर आए हो रहा है क्या हो रहा है तो है खाली बीच बीच में टपक जाता है और ये भी नहीं पता है क्या पढ़ाई हो रही व्हाट इज गोइंग ऑन ये भी नहीं पता है और टपकते रहता सर, है मुझे पता है ई थ्री हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे वाटर साइकिल को पहले क्या करना है सोर्सेज ऑफ एनर्जी पहले वाटर साइकिल कैसे बनता है ये जान लो तो आपका जवाब मिल जाएगा। जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है ना जी जो आंसर दोगे उसको जस्टिफाई करना है। पहले तो एक मार्क्स का ये आंसर हो गया कि ये फिजिकल चेंज है फिजिकल केमिकल में फिजिकल है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या है रिवर्सिबल है और वाटर सर रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज सर रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज। ठीक है अब देखो नेक्स्ट कि इसको वाटर साइकिल होता क्या है तो आप सन है सन एनर्जी से क्या होगा सोर्सेज ऑफ जो वाटर है सोर्सेज ऑफ वाटर कहाँ मिलेगा रिवर सर बोर्ड का नीचे का पार्ट सर नहीं दिख रहा है। समझ गए आवाज सर आवाज सुनाई दे रहा है। सोर्सेज ऑफ वाटर जो है ना वो कौन कौन है सोर्सेज ऑफ वाटर लेक रिवर सी ये सब क्या है सोर्सेज ऑफ वाटर है रिवर ये सन के हीट से क्या हो जाएगा वेपोराइज हो जाएगा इवेपोरेट कर जाएगा इवेपोरेट कर जाएगा। इसको आप क्या करेंगे कंडेंस कराएंगे माप बन गया ना जी। सूर्य की गर्मी से अभी गर्मी पड़ रहा है नदी तालाब ये सब में पानी है वह पानी भाप में कन्वर्ट हो गया तो उसको आप क्या कराएंगे कंडेंस कराएंगे कंडेंस कराया। ठीक है कंडेंस कराने के बाद वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा
क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्लाउड, और क्लाउड से क्या होगा, रेन होगा, बारिश हो जाएगी, और बारिश से फिर क्या हो जाएगा, फिर नदी तालाब भर जाएगा, है ना, ये वाटर साइकिल हुआ सर। पानी आया गया फिर आया, हाँ ये चलता रहता है ना जी, ये प्रोसेस चलता रहता है। यस, तो ये डायग्राम बना लेना है, इसके बाद लिखना है बिकॉज ड्यूरिंग द वाटर साइकिल नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, ओनली इट्स स्टेट चेंज। कौन गुनगुना रहा है सर? E3 फिट कर दीजिए ना, अभी E3 ही ना हो रहा है, E3 बता दीजिए ना, E3 बता दीजिए, E3 ही ना डिस्कस कर रहा है। यस सर, E3 डिस्कस हो रहा है। तो कौन ये बोल रहा है? सची डायग्राम बनाना है। साक्षी कुमारी, हाँ सर, साक्षी कुमारी सर पूछ रही है। तो सोई हुई रहती है उधर, छोटे इसकी बहन है या भाई है, उसको खिलाती रहती है, और इधर भी घर के भी माहौल में कन्वर्ट है, कंसंट्रेट होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वीडियो भी ऑफ की हुई है। हाँ ठीक है, वो अपना कंफर्टेबल जो भी जोर समझेगा वही करेगा, लेकिन वीडियो ऑन रखना है, क्योंकि वीडियो ऑन रखने के पीछे क्या रीजन है, क्या आप टीचर के सुपरविजन में हो, ठीक है, और कभी कभी ड्रेस पर भी असर पड़ता है, आतंकवादी वाला ड्रेस पहन लोगे तो आतंकवादी ना बनोगे जी, उस तरह का दिमाग पे असर करेगा, है ना। तो आप बीइंग ए स्टूडेंट डीएवी के हो तो डीएवी वाले ड्रेस पहनोगे तो उस तरह का संस्कार माइंड पे असर करेगा, समझा कुछ सर? यस सर, यस सर, पहले जो बात हो रही है उस पे डिस्कस करना है ना, कभी कहेगा D1 BBC लंदन धर लो कभी, है ना, जो चीज चल रहा है बीच में टपकना नहीं है, बाद में ना तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उस पे डिस्कस होगा, है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, ये बोल रहा हूँ। सर आपकी आवाज गिटार जैसी आ रही है। नो सर, वीडियो इज नॉट क्लियर सर, वीडियो इज नॉट क्लियर सर, वीडियो इज नॉट क्लियर, अब आप सुनाई दे रही है ना? ये तो शुरू से ही बोल रहे हैं, और ये आपको ऐसा प्रॉब्लम अदर सर, आपकी आवाज गिटारियस ही आ रही है, गिटारियस की तरह गिटार सुनाई दे रहा है तुमको, जब है। नो सर, सर वो नेटवर्क इश्यू होगा सर उसका, सर मेरे को क्लियर आ रही है सर, हमको भी क्लियर आ रहा है आपका आवाज, उसका नेटवर्क वहाँ पर गड़बड़ होगा। कहाँ हो आदिव्या, तुम कहाँ हो, किस जगह हो आदिव्या? हाय तभी सर, सर नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ अब वो हम ही पर आरोप लगा रहा है, देखो ना, क्योंकि आजादी है बोलने की, आजादी है, सबको क्लियर आ रही है। तो देखो ये 3 का पहला आंसर फिजिकल चेंज, दूसरा रिवर्सिबल चेंज, इसके बाद वाटर साइकिल का डायग्राम बनाना है जिसमें सन सूरज को दिखाना है, सन के हीट से ये सोर्स ऑफ वाटर क्या होगा, इवोपरेट कर जाएगा, इवोपरेट किया उसको आप क्या कराएंगे, कंडेंस कराएंगे, कंडेंस कब होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर होगा, ठीक है, और फिर वह क्या फॉर्म कर लेगा, क्लॉथ फॉर्म कर लेगा, क्लॉथ से फिर क्या होगा, बारिश होगी, रेन होगा, रेन होगा, फिर ये नदी नाल तालाब जो सूख गया था सन के एनर्जी से वह फिर भर जाएगा, भर जाएगा, भर जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिलिंग प्रोसेस होगी। अब आपको जस्टिफाई करना है कि फिजिकल ही क्यों है, केमिकल क्यों नहीं है, तो आप लिखोगे, आप लिखो बिकॉज, लिखो बिकॉज नो न्यू सबस्टांसेज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल, लिखो बिकॉज
No new substances are formed. लिख रहा है प्रभात रंजन बिकॉज नो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म. यस सर हो गया सर. इसमें हम लोग को पहला है ना नो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म एफ ओ आर एम ए डी ओनली इट्स. हाँ बोर्डे नहीं दिखो तू है ना. ओनली इट्स जो बोला अभी लिख नहीं रहे. ओनली इट्स स्टेट चेंज. केवल स्टेट चेंज हो रहा है ना जी कि लिक्विड से आपको गैस बन गया, गैस से फिर सॉलिड बन जाएगा, फिर वो लिक्विड में बदल जाएगा. ओनली इट्स स्टेट आदिव्या तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है और यहाँ भी वो आप अपने में कंप्रोमाइज करो. फिर वीडियो देखना उसके लिए वीडियो बनता है ना जी. हाँ तो ये क्या हो गया सर? हो गया ये सर हो गया. अच्छा हाँ तो क्यों फिजिकल चेंज है समझ में आ गया? Because substances are formed only its states changed. अब ड्रामा चालू हो गया. हाँ देख लिया. तो ओनली इट्स स्टेट्स चेंज्ड. ओनली इसका तुमको हम म्यूट कर देंगे. कहाँ गया इसको? अली कंप्लेन कर रहा है. आवाज तो आ रही है. कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है और आपको रुक जाओ थोड़ी. नेटवर्क प्रॉब्लम चालू हो गया है इसीलिए कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है. आप पेशेंस रखो, पेशेंस रखो. अदर टीचर के साथ भी यही हो रहा है इसीलिए पेशेंस रखो. ठीक है तो आपने और फिजिकल चेंज के बारे में हमने क्लियर. और ये थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ा गया है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है. और ये देना है आपको कि आपका
ये लोग देखो बहुत बच्चे लीव करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये प्रॉब्लम चालू है, आप घबराइए मत। और हम लोग E3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें बता दिए कि ये फिजिकल चेंज क्यों है और रिवर्सिबल चेंज इसलिए है। आदित्यराज, यस सर, तुमको मैं होस्ट बना देता हूँ, इधर बार बार कनेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करोगे, ठीक है? और आप लैपटॉप से ले रहा है कि मोबाइल से ले रहा है? इस सर मोबाइल से, सर मोबाइल से ले रहा है, लैपटॉप में डिस्चार्ज है, कल रात हो गया था। ऋतिक राज, तुम किस चीज से ले रहा है? ऋतिक राज, ऋतिक राज तुम कौन सी से ज्वाइन कर रहा है? ऋतिक राज, ऋतिक राज छोड़ दिया है, बहुत बच्चे छोड़ दिए। नहीं सर, को होस्ट बना दीजिए। किसको? किसको सर, तन्वी को होस्ट बना दीजिए। तन्वी को सर से करी है। आदिव्यराज, इसमें कौन लैपटॉप यूज कर रहा है? हैंड्स डाउन अप करो। ऋतिक राज नहीं है। हेलो राहुल कुमार, आदित्यराज तुम होस्ट बन जाओ और ये सबको ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करोगे, ठीक है? कर लिए आदित्यराज, सुन पहले आप हो जाए तो स्पॉट डिस्कनेक्ट हो जाए। हेलो सर, आदित्यराज तुम बन गया होस्ट कि नहीं बना है? नहीं सर, नहीं सर। लैपटॉप किसके पास है? तन्वी, तन्वी के पास। यस सर, वो सर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर होगे। वैल्यू को बेस्ड क्वेश्चन पर हो। सिद्धार्थ गुप्ता सुन रहे हो?